हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। अवार्ड मिला जो कि आई थिंक इज फॉर अ वुमन हु इज रियल कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ हु शी इज एंड आई थिंक दैट दैट डज सूट मी बिकॉज आई हैव ऑलवेज केप्ट इट वेरी रियल हेंस अस की सोना सो थैंक्स टू एल फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड मुझे तो बचपन से ही लगता था मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ बट देर वॉज अ फेज इन माई टीनेज ईयर्स वेर आई वेंट थ्रू अ वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई वुड से एंड तभी मुझे खुद में एज इन कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, सो आई यूज़्ड टू नेवर थिंक कि ब्यूटी क्या है, खुद को संवारना है, बाहर जाना है तो कुछ इयररिंग वरिंग पहनो, मुझे कभी मैं ये सोचती नहीं थी एंड आई वॉज अ कम्प्लीट टॉप बॉय. सो देन आई स्टॉप थिंकिंग कि यू नो ये ब्यूटी व्यूटी छोड़ दो एंड आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग देन अगेन दैट कीड़ा केम इन मी. सॉरी आई थिंक इस मुद्दे पर जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है क्योंकि दोनों तरफ की कहानियाँ होती है एंड आई थिंक ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि कई बार जब कोई आगे आता है यू नो मीडिया में बहुत चर्चा होती है, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं
और निकलता कुछ और है. तो आई थिंक विदाउट नोइंग बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी वी शुड नॉट गेट इनटू द मैटर. एंड ऑफ कोर्स इफ अ वुमन डज फील अनसेफ इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट, आई थिंक दैट इज एनीवे वेरी रॉन्ग. नो वुमन शुड बी मेड टू फील अनसेफ एट वेयर शी गोज टू वर्क ऑफ कोर्स. एंड strict measures should be taken to make sure that a woman feels safe wherever she is. I won't be able to say because I do know a lot of people who are not a celebrity's daughter or a powerful person's daughter and who have also not faced it. So I don't think we should generalize and categorize women in any profession, in any strata of society, are a victim to this and are also not a victim to this. So. Fortunately, no, I haven't. What I would say is not to the girls, but I think to our government, is that to incorporate self-defense as a subject, compulsory subject in schools. And I've been saying this for the longest time because I feel if a girl knows how to protect herself from a very young age, I think that is the handiest weapon that she can have for herself. She won't have to depend on any man or anybody else to take care of her. So I think this should be put in the curriculum of schools, self-defense. I mean, it's nice, it feels good, but I feel like an approval for my personality is not something that I've always really strive to achieve. Agar hota hai, hota hai. If people like it, appreciate it, then that's good. But I won't go out of my way to be someone who I'm not. I want people to like me for who I am and how I am. And if that's happening, I think that's amazing. Fortunately, I work with very, very talented people, stylists, designers. So I don't have to, apply too much of myself in it. But of course, there are certain styles, certain outfits that I like, that I don't like. And my inputs will always be there because as an individual, at the end of the day, you have to wear what you have to wear. So a little bit input is there, but I work with very, very talented people. Sunakshi, you have told me that next time you will give it to me. Yes. जो टोटल धमाल में है वो जब फिल्म रिलीज होगी, आई थिंक उसके कुछ दिन पहले सॉन्ग रिलीज होगा. एंड मुंगड़ा का रीमेक है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. आप वेल अजय इज देयर एंड आई एम देयर. थैंक यू, थैंक यू. वापस Thank you.
ब्यूटी आई थिंक फॉर एवरी वुमन और मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, हर तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी. नहीं, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, ये तो ब्यूटी अवार्ड्स है एनीवे. एंड आई हैव जस्ट कम टू सी यू नो व्हाट द इवेंट इज अबाउट एंड ऑल द विनर्स एंड कंग्रेचुलेट देम एंड सेलिब्रेट देयर ग्रेटनेस. आई होप सो जल्दी, बट फिलहाल नथिंग टू अनाउंस. जी, मैंने कभी सीरियल्स छोड़े नहीं हैं, मैं कुछ भी, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ एक्चुअली. आई रियली वांट टू एक्सप्लोर द मीडियम ऑफ वेब आल्सो, क्योंकि मैंने टीवी किया है और फिल्म किया है, तो आई थिंक वेब विल नाउ बी द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लोर. हाय, एज इन not really, no substantial change as such. I am feeling nice. I am looking forward to some good work, and touch wood, there is some good work coming. So that's the only change, and I'm excited about it. How would I define beauty? I wish I'd learned some answer and come here to define beauty. But I think beauty for me is an all round thing. I think you're beautiful when you feel beautiful and you think beautiful. Sorry? And could you just define your dress for tonight? My dress for tonight? Please tell me the name again. Yes, so I'm wearing a Lena Main, and it's a metallic silver dress, and I think it goes with the trends right now. And jewelry also. So these are some diamonds that go well with my dress. And yeah, it's keeping it minimalistic. Name please? Gehna Jewelers. Thank you. I don't know, you'll find out once I'm back from the gate. When was the first time you felt beautiful in your life? Sorry? When was the first time you felt beautiful in your life? Good question to ask. I don't know, I think every girl should feel beautiful every second of their life, because girls usually are always complaining about all the other things, including their skin, their weight, but I feel every girl is beautiful, and I feel beautiful every morning I wake up. Disha, aajkal Bollywood mein Tanisha Dutta aur Nana Kadel ki jo baat ke baare mein bahut zyada baat ho rahi hai, Bollywood khul ke is mudde par baat kar raha hai, halanki Bollywood zyada is baare mein, Bollywood stars zyada baat nahi karte aise controversies pe, aur Me Too movement ki bhi shuruaat mana ja raha hai ise. Aap kya kuch kehna chahenge is pure issue? I'm sorry, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो आई कॉन्ट टॉक अबाउट इट. आई डोंट हैव नॉलेज, हाउ कैन आई टॉक अबाउट समथिंग आई डोंट हैव नॉलेज. No, never. I didn't know. I've also heard few stories about people going through, but I've never honestly gone through any of it. Like my personal experience, it's people have been very nice and kind, and I've never gone through any of this experience. Ha! It's coming next year.
Shoot is going well. We're gonna be starting our shoot end of the month, and yeah, it's nice. It's different. You shot with Mr. Salman Khan. Ji, I've shot. But बताएंगे हमें how was the shoot and what are the situations? You'll watch it, no? I don't know how much I can talk about the film. I'm so sorry, but we are doing some crazy stuff, and it's I think it's different for everybody, and it's gonna be very exciting. No, you'll find out what I play. Thank you so much. A very pleasant evening. Thank you. Just to have a great time. Sorry? Well, this is by Rippy and I'm loving it. It's very blingy as you can see, but it's extremely elegant. So, makes me feel beautiful. Even all the cameramen are loving it. I hope so. She's done a lot of effort here. And yeah. And you always tease us, like he was craving for your appearances. Is it? Yeah. I didn't know that. Thank you for saying that though. And when can we see next? I hope so, really soon. There's a movie that I've been waiting for that's called Maya. It was directed by Nagesh Kukunur. So we are hoping the release. I really hope it comes out. Next, I'm a part in Sacred Games 2. So I hope you'll see me there. And Sacred Games has become a, like a sort of a brand. It has. Internationally acclaimed, that means. Yes. Feedback? See, in the first season, I was hardly there, so not for myself, but yes, as a series, it was really loved. So yeah, we are all very excited about it. Thank you. Same to you. Same to you. Thank you. Thank you. Yeah. Are they right? Are they right? This camera? Ma'am, you? Third part now. Look your face down. Kanchi. Thank you. Thank you. Thank you.
सामने देखिए Hi, how are you? So today, tell us something about the evening. Must be really glamorous and eventful night. I'm very excited to be here because this is my debut in L Awards. So I'm very excited, very happy to be here, and I'm wearing Nikita Tandon. So I'm even more excited. New events coming up, new awards coming up. So looking forward to just go inside and see. Glamour, I think it's the right state of mind with the confidence how you carry it. It's just not related to what you wear. We often associate women. Yeah. Right. It's very unfortunate to have happened to anybody, and especially Tanushree, and I think it's very courageous of her to have come out and spoken like this. We can't be just getting away by the fact saying, okay, I don't know much about it, what must have happened, I wasn't there, kya truth hai, kya nahi hai, because कोई एक लेवल पर जाकर इतना झूठ नहीं बोल सकता है एंड द वर्जन कांट बी यू नो चेंजिंग एवरी डे सो आई पर्सनली फील आई एम वेरी सैडेंड अबाउट द फैक्ट आई एम हॉरिफाइड दैट इफ शी हैड टू फेस ऑल दिस इट्स वेरी सैड एंड बट इट एट द सेम टाइम इट हैज़ गिवन करेज टू अदर गर्ल्स वीमेन इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स टू देम यू नो दे कैन कम आउट एंड टॉक बिकॉज डर बैठ जाता है हर किसी के अंदर एंड ऊपर से पीपल यू नो दैट पीयर प्रेशर एंड इंडस्ट्री प्रेशर that people keep saying acha mat bolo you know you will be tagged as this people won't want to work with you ye to ladki jaake bol deti hai and things like that so I think it's giving courage to all the girls that stand up for yourself see I haven't faced any harassment as of now it's the mindset of people which needs to be changed I come from a completely different background I am a medical student dental student all sorts of thing happens in all types of industries because you know it's the mindset of people but yes there are people who talk you know sad things it's a very sad thing that you meet casting directors they think oh girl is new you know they happen to say things I personally haven't faced any of the casting couch and harassment so far but yes they make comments they say sad things and it's up to you how you take it especially for a person like me who is not from industry who's not a star daughter who doesn't have a surname you know comes from a big different background so it's very easy to get bogged down by the situation but you have to have your own optimism towards it because ultimately it's your dream you have taken care of your thing so yeah this is the only way forward thank you चल बार-बार ये सवाल पूछते हो तुम ब्यूटी कितना इंपॉर्टेंट है किस ब्यूटी की बात कर रहे हो पहले तो ये बता माय ब्यूटी सी फॉर मी ब्यूटी इज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड एंड आई फील लाइक देयर इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सो टू ईच इट्स ओन whatever whoever if somebody feels comfortable in being whatever that is beauty for me you know the comfort zone in being yourself is beauty for me bahut zabardast chal raha hai abhi bhi sonakshi ko bahut badhiya sa award mila hai sonakshi bahut achhi lag rahi hai I want to congratulate her for looking gorgeous like that thank you acha yeah अभी पूछोगे ये सब डगमगा रहा है यहाँ पे मेरे घर आइए आई गिव यू प्रॉपर इंटरव्यू ओके टेक केयर बाय मैडम
Yes.
ब्यूटी बहुत तरह की होती है. आई थिंक पहली ऑफ कोर्स आई मीन जो फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं वो आपके जो कपड़े हैं आप कैसे स्टाइल करते हैं. सो डेफिनेटली योर स्टाइल एंड योर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक बियॉन्ड दैट आई थिंक आप जो अंदर से आप कितने ब्यूटीफुल एज अ पर्सन डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट्स द वन ब्यूटी जो आप याद रखते हैं. सो या आई थिंक यू एज अ पर्सन इफ यू आर ब्यूटीफुल दैट वुड बी द मोस्ट मेमोरेबल थिंग अबाउट यू. या ये वेल यूजुअली हम वेस्टर्न आउटफिट्स काफ़ी होते हैं लेकिन आई वॉन्टेड टू वेयर अ साड़ी क्योंकि आई थिंक दिस डेफिनेटली इज ऑल अबाउट ब्यूटी बिकॉज इट्स इंडियन. सो या आई थिंक दैट मेक्स यू ब्यूटिफुल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स. हाई I'm presenting an award tonight. Yeah.
I think it's important. Like we do award bravery, right? I mean, I think you should award beauty as well. That's a very important part of women and we as feminine beings, and we should celebrate beauty. So that's the reason why we're here, to celebrate beauty and everything to do with it. So yeah, that's why we're here. We'll talk about that another time, yeah? We are talking. I don't see any better person than you to be a part of it. Thank you so much. मैं इसके बारे में पहले बोल चुकी हूँ एंड मैंने यही कहा था कि चाहे सच अगर आप 5 साल के बाद बोलें या 10 साल के बाद बोलें, अगर वो सच है, इफ़ इट इज़ द ट्रूथ देन वी मस्ट हियर इट आउट. वो सुनना बहुत ज़रूरी है, उसको उसको सही तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है, उसको जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है. वो चाहे अभी हो या कभी भी हो या किसी भी वजह से वो शायद पहले नहीं बोला गया. सो आई सपोर्ट तनुश्री इवन इफ शी इज़ टेकन 10 ईयर्स टू से इट. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपके साथ जब कुछ होता है, चाहे आप रेप केसेस हैं या मोलेस्टेशन केसेस हैं, एट दैट पॉइंट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट. बहुत रीजंस होते हैं कि आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आई थिंक जब भी आप बोलना चाहते हैं और आप सच कहना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमको एज ए सोसाइटी वी शुड सपोर्ट एंड वी शुड गिव इट अ हियरिंग एट लीस्ट, यू नो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई थिंक. Well, yeah, I mean, something did happen with me as well. And वो मेरा स्टैंड था कि मैंने उस समय फिल्म छोड़ी. वो मेरा रीजन्स, मेरे रीजन्स थे और मैंने वो रीजन्स कहे भी थे. आई थिंक किसी मीडिया हाउस ने मुझे, आई मीन दे कॉल मी एंड आई गेव एन इंटरव्यू अबाउट दैट. सो उस समय शायद उसको किसी ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया या मीडिया ने शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन दैट डजंट मैटर. आई थिंक जब भी एंड आई थिंक मीडिया इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आपकी वजह से आई होप दिस थिंग अबाउट मी टू मूवमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉपिंग द वेस्ट. It should be a concern that we have for our society, and it should become more than just a fashion, you know, statement. But do you think always being a movement in a country like India, where if somebody raises a voice, there's some power that is going to curb that voice? Do you think it's more difficult in Bollywood for women to come out? See, her society mein alag-alag farak hota hai. Hamara jo matrix hai as an Indian society is very different than Western. So that's why I'm saying we shouldn't ape it. लेकिन डेफिनेटली इट्स वेरी इंस्पायरिंग जब तनुश्री या और भी काफ़ी लोग हैं जो आगे आकर बात कर रहे हैं, उनको हमें दबाना नहीं चाहिए. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वेस्ट. आई थिंक वी शुड मेक इट अबाउट आर सोसाइटी. वी शुड मेक द मैन इन आर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एज मच एज द वुमेन आर. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत अच्छा है कि कुछ शुरू हुआ है और अच्छी चीज़ शुरू हुई है. सच बोलने की शायद हमको और आदत पड़नी चाहिए. सो या दैट्स व्हाट आई हैव टू से. थैंक यू सो मच. आई थिंक ब्यूटिफुल फील करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ब्यूटिफुल लगना, यू ओनली लुक लाइक, आई थिंक यू ओनली लुक ब्यूटिफुल इफ़ यू फील ब्यूटिफुल. एंड आई थिंक ब्यूटी इज़ मोर अबाउट जस्ट बींग कम्फर्टेबल विद यू हु यू आर एंड फीलिंग हैप्पी. आई थिंक वन यू आर हैप्पी यू जस्ट रेडिएट ब्यूटी. या आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. यू नो अबाउट दैट आई विल रियली से कि लड़की तो मैं सेम ही हूँ. आई थिंक वो एक डायरेक्टर का विजन होता है वेयर दे शो यू लाइक हाउ दे सी यू, और आपका जो पूरा पोटेंशियल है वो उसको निखार के लाते हैं. सो आई रियली फील कि फिल्म में क्रेडिट डायरेक्टर्स को जाना चाहिए. अभी जेनेटिक जो है वो है उसका आई ऑलवेज थैंक माई जीन्स एंड आई थैंक माई मम. But there are certain directors and certain teams that just bring out, you know, that much more in you. So I will give complete and total credit to Sanjay sir and Sanjay Leela Bhansali and Shudipta for making me look like that. Also, it was bahut special ladki thi. Like, aap puche the, what does beauty mean?
वो दिल की इतनी साफ और इतनी खूबसूरत थी दिल की दैट शी एक्चुअली लुक्स प्रीटी बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक शी लुक्स सो ब्यूटीफुल. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग बात करें. एक्चुअली यू नो बात करना बहुत मुश्किल होता है और आई मीन यू कैन सी कि उनको 10 साल लग गए हैं टू से समथिंग. इट टेक्स अ लॉट टू कम अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड स्पीक बिकॉज यू नो दैट पीपल आर गोइंग टू पुल यू डाउन. दे आर गोइंग टू ट्राई एंड थ्रेटन यू. दे आर गोइंग टू ट्राई एंड मेक यू फील अफ्रेड. दे आर गोइंग टू डू व्हाटएवर इट इज टू पुल यू डाउन. So it takes a lot of courage to speak, and I feel all of us, not just women, everybody should listen and should know that this is the reality of our country and of the world, and it's about time that it changes. And the first way to change is to accept that it is happening. नहीं तो हम ऐसे ब्लिंकर्स लगा के चलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा नहीं इट्स ओके और हम सब डरते हैं. तो पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे होता है एंड देन वी नीड टू टेक मेजर्स टू मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन. एंड नोबडी शुड यूज़ पावर इन अ रॉन्ग वे. इट्स अबाउट रॉन्ग एंड राइट. यू नो ऑनेस्टली see I've had one fairly safe experience honestly, and when I say safe I say that because you know I'm lucky that I didn't have to feel demeaned in any way. I was able to, even though I was new and naive, I was able to say thank you and leave. It lost me work, but somewhere I had that belief that अच्छे लोग मुझे मुझे काम देंगे और मुझे अच्छी फिल्में मिलेंगी. सो आई वॉज लकी एक्चुअली बट इट्स अ फैक्ट एंड इट हैपन. बट एवर सिंस दैट टचवुड आई हैव नॉट हैड टू एनकाउंटर सच एन एक्सपीरियंस बिकॉज आई थिंक लोगों के बीच में बातें होती हैं कि दिस वन इज़ नॉट अप फॉर इट. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेज यू डोंट गेट वर्क विच इज़ ओके. एटलीस्ट आई एम वर्किंग विद गुड पीपल सो आई एम हैप्पी. बट आई डू फील लाइक all of us should come together and be a support to each other, and not just girls. It's not just about girl power. It's not about gender. It is about anybody who's being manipulated and anybody who's being violated in any way. Actually main credit Sanam meri stylist aur Elkin jo makeup karte hai mere liye मैं उनको देना चाहूँगी. ये गौरव गुप्ता जो मेरे बहुत ही मतलब ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर एंड बुलीज मी लाइक अ बिग ब्रदर. सो दिस इज़ हिज एंड द ज्वेलरी इज़ बाय दीपा गुरनानी. एंड या आई मीन टाउन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो आई हैड अ ग्रेट टाइम ड्रेसिंग अप एंड कमिंग. इट वाज फन. आई हैव अ फ्लाइट. टेल मी. आई नो Queen, I don't know, but I've been working with Mani sir and a lot of other amazing directors. और मुझे वो opportunity छोड़नी नहीं थी because they're really amazing directors and a greed होता है to work with amazing directors on amazing films. Mani sir's film is a huge hit, so I'm really happy and I have to finish all that what I've taken on, and I think by December I'll be back here. I'm inspired by a lot of people, so I can only say that I think, you know, as we grow, it's the inspirations in our lives that make us who we are. So I would like to thank those people. ऑडियो चेक.
पोर्ट्रे करने की कोशिश में हमारी हवा निकल जाती है, वो तो सच में जी रहे हैं उस चीज़ को, तो हैट्स ऑफ टू देम एंड आसान नहीं है जो वो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा रहा, उरी मेरे आज तक के जितने भी छोटी सी फिल्मी करियर रहा है उसमें सबसे फिजिकली सबसे डिमांडिंग फिल्म रही है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब तो ट्रेलर भी आएगा फिर धीरे धीरे फिल्म भी आएगी 11 जनवरी को, तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों को कैसी लगती है। देखिए मैं आपको सच बात बताता हूँ, फैशन के नाम पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल जो मुझे स्टाइल कर देते हैं, मैं सिर्फ पहनने का काम करता हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम ऑफ एल जिन्होंने मुझे स्टाइल किया है, राहुल हू स्टैंडिंग अप। एक सवाल और, आज की बॉलीवुड में बहुत चर्चा हो रही है नाना पाटेकर और तनिष्क दत्ता के विवाद पर, और बॉलीवुड खुलकर सामने आया है, मी टू मूवमेंट की बात भी हो रही है, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मेरी राय है कि देखिए किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट या हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे या कहीं भी अच्छी बात नहीं है, और एट द सेम टाइम देखिए अगर कोई आता है और उस बारे में चर्चा करता है जो उनके साथ पर्सनली हुआ हो, द लीस्ट वी कैन डू इज उनको सुने, उनको वो रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो आसान काम नहीं है कि इतने पूरे दुनिया के सामने आकर वो बात कहना, तो उनकी बात सुने। एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू द अक्यूज़र एंड द अक्यूज्ड, तो दोनों पार्टी को सुनना बहुत ज़रूरी है एंड जब भी इतनी ग्रेविटी की कोई चीज़ सामने आती है तो उसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। थैंक यू। What is what we mean to me? It comes as a big surprise to me, क्योंकि कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी अपीयरेंस के लिए मुझे अवार्ड मिलेगा, पर जब मिल रहा है तो अच्छा लगता है, यू फील मोटिवेटेड।
अब आप करण जी से पूछिए, देखते हैं, मैं भी उसका जवाब चाहता हूँ। थैंक यू। मैं आपके साथ आना चाहूँगा। थैंक यू। I think inner beauty is more important. I don't believe in like you have to wear this and wear that to look beautiful. I think if you feel beautiful, you're beautiful. आज मैं पॉश प्राइड मैंने पहना है. मेरी स्टाइलिस्ट है श्रीजा राजगोपाल एंड शी ऑलवेज मैनेजेस टू मेक मी लुक प्रेजेंटेबल. दिस इज ऑल हर लिटिल थिंग्स. अब नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गया है उसका दूसरा सीजन. दोनों सीजन रिलीज हो गए और हाँ बहुत ही मतलब so far it's been great. The feedback has been amazing. We are very excited about it and so is everyone else. और जितना लोग रुके थे इसकी रिलीज के लिए उतना हम भी रुके थे. तो थैंक यू. Will you come? I just come as a guest actually, because Elle is a very modern, fun, funky magazine. So I just come to see what it's all about. no agenda. मेरा तो ये मानना है कि बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड के लोग आगे आ रहे हैं, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए. विमेन सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड एवरी वर्क प्लेस शुड बी अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द वुमेन दैट वर्क देयर. सो इस मुद्दे पे जितनी बात हो उतना अच्छा है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड सपोर्टिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस. आपने पढ़ा आर्टिकल? हाँ जी. जी सेंसरशिप का तो ये है कि जब हमारे सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी फिल्म, तो फिर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स ने एक डिमांड करी और हर चीज़ को यू नो सेंसर करना इज़ नॉट अ गुड थॉट. मतलब अगर आप लिखने में भी सेंसरशिप करेंगे, आर्ट में भी सेंसरशिप करेंगे, और इट्स जस्ट कर्टेलिंग ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम. तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ. बहुत गलत हुआ कि वो सीन हमें काटना पड़ा और वो मुद्दा भी बिल्कुल ही गलत था. उसमें कुछ ऐसा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो. नहीं, पर आप देखिए जब कुछ ग्रुप्स थिएटर के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हम फिल्म नहीं चलने देंगे और हम थिएटर में लोगों को नहीं जाने देंगे, तो प्रोड्यूसर तो वल्नरेबल है ना. उसको तो अपना कुछ सेफगार्ड करने के लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे. सो द प्रॉब्लम इसमें यही है कि यू आर होल्डिंग अ टीम फॉर रैंसम. सो डोंट होल्ड अ टीम फॉर रैंसम. सो मुद्दा वो है. मुद्दा ये नहीं है कि किसी से पूछा नहीं या काटा नहीं. मैं उस तरह फोकस ले जाना चाहूँगी कि हमको हर चीज़ के लिए इतना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना चाहिए. जी उस पर तो आप लोगों ने देख ही लिया है, कमेंट्स आ गए हैं. अनुराग ने अपना पक्ष रख दिया है, प्रोड्यूसर्स ने अपना पक्ष रख दिया है, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी. पर हाँ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं इस जो हुआ उसकी मैं निंदा करती हूँ और ये नहीं होना चाहिए. थैंक यू. Right man, center se.
I think to be easy. कैसे हो? तो just to be easy, I think that's my style mantra. I don't like really do too much. Whatever I feel happy in, I wear. Thank you so much. Thank you. It's been nice. People have liked the performances. Critics have liked the performances. So you feel nice because it's, you know, it takes almost an year to make a film, and you know, and then if people like your performances, critics praise you, you always feel a little humbled. So happy. Sorry? Yeah. So Mirzapur is releasing. It's a web series. So it's going to release next month, I guess. It's for Amazon by this thing. जी नहीं, ये बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, ये गैंगस्टर ड्रामा है. तो इसमें कोई हंसी मजाक नहीं, कोई रोमांस नहीं, हार्ड कोर एक्शन. आई थिंक लीस्ट वी कैन डू इज जस्ट हेयर हर आउट, जस्ट रिस्पेक्ट हर, नॉट जज हर ऑन हर कैरेक्टर और एनी थिंग. जस्ट बी पेशेंट विद हर, जस्ट हेयर हर आउट इज द लीस्ट वी कैन डू. Thank you. सामने देखिए.